दिल्ली ITF मैच टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है, जहां भारत के विष्णुवर्धन सर्विस करते हुए हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मुकाबले का जो विजेता होगा फाइनल में उसका सामना होगा ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकेलिस से, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में भारत के सिद्धार्थ रावत को मात दी थी। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या फाइनल में भारत का कोई खिलाड़ी होगा, क्योंकि विष्णुवर्धन अगर जीत जाते हैं तो फिर वो सामना करेंगे ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकेलिस का, और अगर फ्रांस के वेलेंटीन वेशोर जीत जाते हैं तो फिर एक तरह से फाइनल में दोनों ही विदेशी खिलाड़ी होंगे। तो भारत की उम्मीदें इस समय विष्णुवर्धन पर लगी हुई, और पहले सेट में पहले गेम में सर्विस करते हुए लेफ्ट साइड में खिलाना चाहते थे, लेकिन नेट पर लगी बॉल और 15 ऑल स्कोर। विष्णुवर्धन सर्विस करने के लिए तैयार, अच्छी खासी कदकाठी के खिलाड़ी। अगर अपनी सर्विस पर उनका कंट्रोल रहा तो फिर उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉल्ट सर्विस जैसा कि हम इशारा कर रहे थे वैसा ही हुआ, सर्विस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी। टेनिस की पहली सीढ़ी कामयाब खिलाड़ी बनने के लिए, इस बार सर्विस को थोड़ा स्लो किया था, और क्रॉस कोर्ट शॉट विष्णुवर्धन नाकाम रहे रिटर्न देने में। अपनी सर्विस को ब्रेक होने से बचाना होगा विष्णुवर्धन को, काफी स्लिम वेलेंटिन, अच्छा कद, थोड़ा मुश्किल में विष्णुवर्धन, अपने खेल को वर्धन करना होगा उन्हें। सब इसके लिए तैयार, यहाँ पर जिस तरह से मौका मिला था विष्णुवर्धन ने खुद उसे गवाया, क्योंकि वो अच्छी वॉली लगा सकते थे, और यहाँ पर सर्विस ब्रेक की वेलेंटिन विश्रोट ने। विष्णुवर्धन अगर गठीले खिलाड़ी हैं तो वेलेंटिन छरहरी काया, लेकिन इतने भी छरहरे नहीं बल्कि बेहतरीन फिटनेस उनमें नजर आती है। पहला गेम जीतने के बाद काफी उत्साहित वेलेंटिन, अच्छा बैकहैंड और फॉरहैंड शॉट खेलते हैं वेलेंटिन, शानदार बैक लिफ्ट है एक तरह से उनकी, और विष्णुवर्धन का शॉट साइड लाइन से बाहर जाता हुआ। वेलेंटिन तीसरी वरीयता हासिल खिलाड़ी फ्रांस की, अच्छी सर्विस और ये बहुत ही खराब रिटर्न। पोर्टिला, ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी है विष्णुवर्धन को, अन्यथा सेमीफाइनल जैसे मैच में दूसरे गेम में ऐसा शॉट देखने को कम ही मिलता है। बेहतरीन रैली, बिल्कुल नेट से टच होती हुई बॉल,
कमाल का कंट्रोल। इसके लिए तैयार वैलेंटिन और काफी आसानी से उन्होंने इस गेम को अपने नाम किया और कतई परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। और इस तरह से विष्णुवर्धन वैलेंटिन से पार पाएंगे और क्या निचोड़ नजर आया है दो गेम जिस तरह से वैलेंटिन ने अपने नाम किए हैं आपको बताएंगे हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। शुक्रिया आदेश, पूरी तरीके से हावी नजर आ रहे हैं फ्रांस के तीसरी वरीयता प्राप्त वैलेंटिन गैशरॉट और इस बार एक अंक मिलेगा यहां पर विष्णुवर्धन का। क्रॉस कोर्ट रिटर्न था, देख लिया था कि वैलेंटिन जो हैं वो राइट कॉर्नर पर हैं, लेफ्ट कोर्ट पूरी तरह से खाली था, तो बढ़िया प्लेसमेंट और इस तरह के अच्छे शॉट्स की ज़रूरत है विष्णु को। शुरुआती सेट में ही इस ढंग से पिछड़ जाना, अपनी सर्विस पहले गेम में ही बरकरार नहीं रखना कहीं ना कहीं मनोबल पर भी असर पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी उबरना होगा इससे। इस बार बढ़िया एस, गति तो बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन प्लेसमेंट से चारों खाने चित कर दिया वहां पर वैलेंटिन को। अगर उम्र की बात करें तो विष्णुवर्धन 34 साल के हैं, फ्रांस के वैलेंटिन सिर्फ 23 साल के, तो 11 साल का अंतर है दोनों खिलाड़ियों के बीच। बहुत ही खराब रिटर्न, बहुत ही अनमनी ढंग से खेला गया ये शॉट और इस तरह की गलतियां नहीं करनी होंगी विष्णु को। दोनों खिलाड़ियों के हाइट की बात करें तो 6'2" के विष्णुवर्धन, तो 6'4" के हैं वैलेंटिन गैशरॉट। और इस बार खराब रिटर्न आया वैलेंटिन की तरफ से। विष्णुवर्धन डबल्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और 2010 में जो एशियाई खेल ग्वांगझू में हुए थे वहाँ उन्होंने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक जीता था और सानिया मिर्जा के साथ मिक्स डबल्स में उन्होंने रजत पदक जीता था। बहुत ही शानदार क्रॉस कोर्ट रिटर्न यहाँ पर वैलेंटिन का, लाजवाब शॉट। बहुत ही जल्दी अपने आप को पोजीशन कर लिया था और देख लिया था कि लेफ्ट कोर्ट पूरी तरीके से खाली पड़ा है, अगर वहां पर विष्णुवर्धन होते भी तो बहुत मुश्किल था ये रिटर्न। कमाल का शॉट, वापसी करनी होगी विष्णु को। और इस बार अवसर था और उस अवसर को भुनाने में नाकामयाब रहे, नेट पर उलझा बैठे वहां पर विष्णुवर्धन। और अब 40-40 की बराबरी यानी ड्यूस पर ये मामला चला गया है और अपनी सर्विस को बरकरार रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी सर्विस कमाते हैं तो 0-3 से पिछड़ जाएंगे और उसके बाद शायद वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत ही खराब रिटर्न, बहुत ही ज़्यादा नाखुश होंगे अपने आप से। एडवांटेज वैलेंटिन गैशरॉट के नाम। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें तो विष्णुवर्धन ने क्वार्टर फाइनल में भारत के ही नितिन कुमार शर्मा को 3 सेट तक चले मुकाबले में हराया था, तो वहां भी केक वॉक नहीं था विष्णुवर्धन के लिए। 7-6 से पहला सेट जीता था वहां पर विष्णु ने। और खराब रिटर्न इस बार वैलेंटिन की तरफ से, अपने आप से बहुत नाखुश होंगे। क्वार्टर फाइनल में पहला सेट 7-6 से जीतने के बाद दूसरे सेट को 2-6 से गंवा दिया था विष्णुवर्धन ने और फिर तीसरे सेट में वापसी की थी और 7-6 से जीत कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और सेमीफाइनल मुकाबले में इस समय 0-2 से पिछड़ रहे हैं और 40-40 की बराबरी यानी ड्यूस पर एक बार फिर ये दूसरा ड्यूस है इस गेम का। बहुत खराब रिटर्न, बहुत ज़्यादा पावर जेनरेट की थी वहाँ पर वैलेंटिन ने और ये मौका है इस बार विष्णुवर्धन के पास इस एडवांटेज पर अंक हासिल कर अपनी सर्विस को बरकरार रखने की और पहले सेट में अपने लिए पहला गेम जीतने की।
इस अब तक 4 अवसरों पर अपनी पहली सर्विस को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हैं विष्णु वर्धन। मौका दिया था वहां पर वैलेंटीन को, लेकिन वैलेंटीन इस अवसर को भुना नहीं सके। बहुत ही खराब शॉट, अपने आप से बहुत नाखुश होंगे और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के विष्णुवर्धन ने इस पहले सेट में अपने लिए पहला गेम जीत लिया है और मैच में कुछ हद तक वापसी करने की कोशिश की है। विष्णुवर्धन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से आते हैं और दूसरी तरफ अगर वैलेंटीन बेशेरॉट की बात करें तो मोनैको में उनका जन्म हुआ और मोंटे कार्लो में रहते हैं। 2-1 की बढ़त पर हैं पहले सेट में वैलेंटीन बेशेरॉट। खराब रिटर्न यहां पर, फोरहैंड रिटर्न था विष्णुवर्धन का, कंट्रोल नहीं कर सके और प्लेसमेंट भी बहुत ही खराब। शुरुआती लम्हों में यहां पर नियंत्रण बनाने की जरूरत है, गेम को समझने की जरूरत है, विपक्षी खिलाड़ी की कमजोरी को आंकने की आवश्यकता है यहां पर। और बढ़िया डाउन द बेस लाइन, अच्छा जजमेंट विष्णुवर्धन का, देख लिया था कि लॉफ्टेड शॉट जो है वो प्लेइंग एरिया के बाहर ही जाएगा। बहुत ही करारा सर्विस था, झन्नाटेदार, रिटर्न करने के लिए गए जरूर थे वहां विष्णुवर्धन, लेकिन जो रैकेट है अपने हाथ में बहुत हल्का होल्ड किया था, वो चाहते थे कि सर्विस की जो गति है उसी से रिटर्न किया जा सके, लेकिन ऐसा हो ना सका और अपने ही हाफ में गेंद को खेल बैठे। 6 फिट 4 इंच के वैलेंटीन बेशेरॉव जब उछलते हैं सर्विस के लिए तो 4 से 6 इंच की हाइट और जेनरेट कर लेते हैं, तो यानी तकरीबन 8-8.5 फिट की ऊंचाई से सर्विस आती है विष्णुवर्धन के पास। बढ़िया वहां पर छकाया विष्णुवर्धन को, ले गए थे लेफ्ट कोर्ट पर और गलती करने के लिए विवश किया। अपने आप से खुश नहीं है विष्णुवर्धन, जान रहे हैं कि ये रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन जिस गति से सर्विस कर रहे हैं वैलेंटीन और जो हाइट है उसका फायदा इस समय मिलता हुआ दिख रहा है फ्रांस के इस तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को। और इस बार 40-30 अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके, स्पिन से बीट हुए और उसके बाद जो रिटर्न किया उसमें बहुत ज़्यादा पावर जेनरेट कर बैठे वैलेंटीन। अब भी मौका है उनके पास, 40-30 की सर्विस कर रहे हैं यानी एक अवसर है। यहाँ पर आसान अवसर दे दिया था और उस अवसर को भुना लिया वैलेंटीन बेशेरॉट ने और इस गेम को जीतकर वैलेंटीन ने बढ़त बना ली है दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 3-1 की। और इस 3-1 के स्कोर का मतलब ये है कि अब सर्विस करेंगे भारत के विष्णुवर्धन, इस बढ़त को कम करने की कोशिश होगी और कोशिश ये भी होगी कि जिस लय के साथ वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत कर आए हैं वो लय इस मुकाबले में भी बनाए रखें। आगे के हाल के साथ है हमारे सहयोगी आदेश गुप्त। धन्यवाद आनंद जी, जैसा कि आनंद ने बताया कि 3-1 से पिछड़ रहे हैं विष्णुवर्धन आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी और आनंद ने बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि सामने चुनौती आसान नहीं, वैलेंटीन फ्रांस के
उनके बारे में काफ़ी दिलचस्प जानकारी दी उन्होंने कि वो मेरे कॉलो में रहते हैं, लेकिन यहाँ भारत में उनकी तमन्ना ये आई टी एफ मैच टेनिस टूर्नामेंट जीतने की, जिसका आधा रास्ता वो तय कर चुके हैं, क्योंकि इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले से अपने 3-1 की बढ़त उनके पास है। विष्णुवर्धन सब स्कोर करते हैं। बहुत ही आसानी से मौके का फायदा उठाया और क्या शानदार कोर्ट कवरेज है वेलिंगटन की। पॉइंट जुटाने का कोई भी मौका बहुत आसान बना लेते हैं अपने लिए। बहुत ही सही पूर्वानुमान के साथ खेल रहे हैं। विष्णुवर्धन की सर्विस कोर्ट के दोनों तरफ चलाने की कोशिश थी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। बॉल नेट से टकरा कर विष्णुवर्धन के साइड वाले कोर्ट में गिर गई। 15-40 स्कोर। क्या दमदार शॉट के साथ इस गेम को खत्म किया। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब उनके पास ये 4-1 की बढ़त हो गई है। और अब अगर वेलिंगटन अपनी सर्विस को बरकरार रखते हैं तो फिर 5-1 की बहुत ही मजबूत बढ़त उनके पास हो जाएगी। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला कर दिया है वेलिंगटन ने। फ्रांस के वेलिंगटन ने क्या गजब का खेल दिखाया उन्होंने यहाँ पर। भारत के विष्णुवर्धन अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। सर्विस करते हुए वेलिंगटन तीसरी वरीयता हासिल है उन्हें यहाँ। नेट पर आए हैं विष्णुवर्धन, फायदा भी मिला, शॉट लगाया, अच्छी बॉली और लव 15 पर ले आए हैं। इस गेम में वेलिंगटन के खिलाफ काफी चपल हैं विष्णुवर्धन, फुर्तीले खिलाड़ी, काफी जल्दी सर्विस को खत्म करते हैं। उनके खेल में कहीं भी सुस्ती नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि मैच खत्म करने की उन्हें काफी जल्दी है और बेहतरीन सर्विस की थी उन्होंने। 15-0 स्कोर। अच्छा खासा दम लगाते हैं सर्विस में, बैकलिफ्ट के साथ फॉरेन शॉट लगाते हैं। इससे मदद मिलती है उन्हें, एक्स्ट्रा पीस मिलती है शॉट में और यहाँ पर इस गेम में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हुए सर्विस के लिए तैयार। बहुत अच्छी सर्विस थी और यहाँ पर बिल्कुल वॉली पर लेते हुए उन्होंने अपने लिए एक पॉइंट और जुटाया और इस गेम को भी अपने नाम करने के काफ़ी नज़दीक। सर्व और वॉली का बहुत ही शानदार तालमेल वेलिंगटन के पास। छन्नाटेदार सर्विस, हिलता हुआ नेट, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत मजबूत स्थिति में पहले सेट में। सर्विस नेट से टकरा कर साइडलाइन से बाहर जाता हुआ। मौसम बहुत ही शानदार, नवंबर का महीना और दिसंबर का आगमन होने को, गुनगुनी धूप, हवा नहीं लेकिन फिर भी हल्की सी ठंडक
और विदेशी खिलाड़ियों को तो ऐसे मौसम बहुत रास आते हैं, और फिर रास और भी आते हैं जब जब वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। विष्णु वर्धन जो कि नेट पर आने की कोशिश कर रहे थे, भांप लिया और फिर उनके राइट साइड में साइड लाइन के पास बेहतरीन रिटर्न लिया और गेम अपने नाम किया। 5-1 की महत्वपूर्ण बढ़त। विष्णु वर्धन कोई अनजाना नाम नहीं है और वो काफ़ी सालों से भारत के टॉप 10 रैंक खिलाड़ी हैं, वो भी सिंगल्स में, लेकिन यहाँ बहुत संघर्ष करते हुए। लव 15 का स्कोर, बेस लाइन के बिल्कुल पास आ जाते हैं सर्विस करने के बाद, जबकि वेलिंगटन थोड़ा सा पीछे रहते हैं अपनी साइड के कोर्ट में, तो उन्हें ज़्यादा मौका मिलता है बॉल को अच्छी तरह डिलीवर करने का। विष्णुवर्धन सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस और ख़राब रिटर्न। 15 ऑल स्कोर। दिल्ली ITF मैच टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल, भारत के विष्णुवर्धन और फ्रांस के वेलिंगटन बिश्नोई आमने सामने। जो जीतेगा वो फाइनल में भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के फिलिप से। सर्विस तो बहुत अच्छी थी लेकिन नेट के टॉप पर लगती हुई, कोई फायदा नहीं, बल्कि डबल फॉल्ट से बचना होगा। विष्णुवर्धन बेहतरीन सर्विस, कोई जवाब नहीं था वेलिंगटन के पास क्योंकि कोण बनाती हुई निकल रही थी। अब पूरी शक्ति झोंक रहे हैं विष्णुवर्धन अपनी सर्विस में। पहले तो बेहतरीन रिटर्न था बिल्कुल बेस लाइन के पास, साइड लाइन के पास, चुटकियों में जीतना शायद इसी को कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी 5-1 की बढ़त ली। अभी भी अच्छी सिचुएशन में वेलिंगटन विष्णुवर्धन की सर्विस के खिलाफ। ऐसी सर्विस तो आपने शायद ही देखी हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के पिच पर ये सर्विस की गई हो। कोई मौका नहीं, बेहतरीन रिटर्न। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पावर प्ले जिसे कहते हैं, विष्णुवर्धन का गेम थोड़ा क्लासिक लेकिन पावर प्ले जिसे कहना चाहिए वो है वेलिंगटन के पास। कभी इवानिसेविच जाने जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस और उसके बाद शानदार रिटर्न के लिए कुछ कुछ ऐसी झलक यहाँ पर दिखती है। इसी तरह का कोई रास्ता ही नहीं था विष्णुवर्धन के पास, और इस तरह से जहाँ पर 6-1 से ये पहला सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट की शुरुआत से ही विष्णुवर्धन दबाव में होंगे, लेकिन कैसा खेल रहा पहले सेट में इसकी समीक्षा और आगे के खेल के विवरण के साथ हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। दूसरे सेट का आगाज होता हुआ यहाँ पर पहले सेट में विष्णुवर्धन के खेल से भारतीय टेनिस प्रेमियों को निराशा हाथ लगी है। वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापसी करेंगे, और दूसरी तरफ अपने शबाब पर हैं वेलिंगटन वेशेरॉट। बॉल सर्विस
अब तक इस टूर्नामेंट में वैलेंटीन ने एक भी सेट नहीं गंवाया है, स्ट्रेट सेट्स में जीत कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। खराब रिटर्न यहाँ पर। स्ट्रैटेजी की बात करें तो विष्णुवर्धन नेट के काफ़ी करीब चले जा रहे हैं, रिटर्न करने के बाद कोशिश यही है कि नेट पर जाएं और इंटरसेप्ट करें, वैलेंटीन को परेशान करें। एक और फॉल सर्विस, क्वार्टर फाइनल में भारत के ए शनमुगम को 6-1, 6-3 से मात दी थी वैलेंटीन बेशेरोव ने। यहां पर तो कोई मौका ही नहीं है, लगभग 10 मीटर की दूरी से वो चूके हैं और कमाल का कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है यहां पर वैलेंटीन बेशेरोव का। नेट पर आ गए थे और उसके बाद कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत इत्मीनान के साथ सिर्फ वहां पर दिशा दी, गेंद को देख लिया था, भांप लिया था कि विष्णुवर्धन का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो यहां वन साइड ट्रैफिक चल रहा है। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, देख लिया था कि राइट कोर्ट पर हैं विष्णुवर्धन, लेफ्ट कोर्ट पूरी तरीके से खाली है और उनके पास पावर भी है, जैसे कि हमने पहले सेमीफाइनल में देखा कि जो सेकुलिश थे उनके पास गति है, पावर जनरेट करते हैं शॉट में, और वही वैलेंटीन के पास भी है और 40-0 की बढ़त बना ली है दूसरे सेट के पहले गेम। टॉप ऑफ द नेट, और इस बार बहुत ही बढ़िया फोर एंड रिटर्न था वहां पर, क्रॉस कोर्ट फोर एंड रिटर्न, और कोई जवाब नहीं था वैलेंटीन के पास। इस तरह के शॉट्स जो हैं वो मनोबल बढ़ाएंगे विष्णुवर्धन का, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जो वैलेंटीन ने खेल की रफ्तार को इतनी तेज कर दी है कि सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहे हैं विष्णुवर्धन को, इस तरह के शॉट्स और ज्यादा अगर लगाएंगे तो मुकाबले में वापसी कर पाएंगे। और इस बार गलती करने के लिए विवश किया वैलेंटीन को, तेज गति से रिटर्न करना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए उस शॉट में। और इस बार एक अच्छी रैली का समापन भारतीय नज़रिए से गलत ढंग से हुआ और वैलेंटीन ने अपना आपा नहीं खोया, बिल्कुल गेंद पर नज़र जमाए रखी और इसका परिणाम ये हुआ कि वो इस अंक को हासिल करने में कामयाब रहे और इस अंक को हासिल करते ही एक गेम भी उन्होंने जीत लिया है। तो वैलेंटीन बेशेरोव ने जो दूसरे गेम है उसकी दूसरा सेट है उसका भी शानदार आगाज किया है। पहला सेट 6-1 से अपने नाम करने के बाद दूसरे सेट में भी पहले गेम को अपने नाम किया फ्रांस के वैलेंटीन ने, फिलहाल सर्विस करते हुए भारत के विष्णुवर्धन और सर्विस। विष्णुवर्धन भारत की सर्विस
वो स्कॉट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन साइड लाइन से काफ़ी बाहर निकल गया। 15 लव पर सर्विस करते हुए विष्णुवर्धन। फ्रांस की बैलिंग टीम एक तरफा बना दिया है अभी तक तो इस सेमीफाइनल को। आगे देखते हैं क्या होता है। बेहतरीन ड्रॉप शॉट, टी लव पर सर्विस करते हुए विष्णुवर्धन। नेट फॉर सर्विस, देखते रह गए। इतनी तेज रफ्तार से शॉट था और विष्णुवर्धन को पता था कि वो पहुंच नहीं पाएंगे, छोड़ दिया शॉट को। 30-15 स्कोर। सर्विस अच्छा, कोर्ट कवर, लेकिन इस बार साइड लाइन से बाहर जाता वन पर रिटर्न। पहले सेट के बाद खिलाड़ियों को काफी पसीना निकलता हुआ, हालांकि मौसम बहुत बेहतरीन, लेकिन टेनिस में और जान लगानी पड़ती है। नतीजा पसीने से सराबोर खिलाड़ी विष्णुवर्धन सर्विस के लिए तैयार। और इस बार नेट पर जाता हुआ रिटर्न वैलेंटिन का। वन ऑल स्कोर इसी के साथ। विष्णुवर्धन ने अपनी सर्विस को बचाया, लेकिन पहले सेट की यादें उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे हैं, क्योंकि 6-1 से वैलेंटिन ने वो सेट जीता था। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बेदर्दी के साथ वैलेंटिन जीते और लगातार सर्विस ब्रेक की विष्णुवर्धन। सेकंड सेट के तीसरे गेम में सर्विस करते हुए वैलेंटिन। रिटर्न नेट तक भी नहीं पहुंचा विष्णुवर्धन का। 15 लव पर सर्विस करेंगे वैलेंटिन। वैलेंटिन सबल्दी का मौका ही नहीं देते विरोधी खिलाड़ी को। शानदार सर्विस, 30 लव। बहुत ही चप्पल वेलिंगटन और दमदार सर्विस, बेहतरीन रिटर्न, शानदार कोर्ट कवरिंग, संपूर्ण खिलाड़ी। इस बार नेट को झंझनाया। शॉट था बिल्कुल नपतुला, साइड लाइन पर ऑन द लाइन होता हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लगाया हुआ शॉट। इस बार तो वो विष्णुवर्धन सर्विस को रिटर्न करने के आसपास भी नहीं थे,
और इस तरह से ये गेम भी अपने नाम किया वेलेंटिन ने, 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त दूसरे सेट में। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कोर्ट पर जो धूप है वो एक साइड को छोड़ रही है और दूसरी साइड की तरफ बढ़ती जा रही है। चीयर अंपायर की आवाज टाइम। और यहाँ तो इस सेमीफाइनल में ऐसा लगता है कि टाइम साथ दे रहा है वेलेंटिन का, क्योंकि बिना सेट गंवाए सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं और यहाँ पर भी पहला सेट उन्होंने 6-1 से जीता, 2-1 से बढ़त है। दूसरे सेट पे फिलहाल सर्विस के लिए तैयार भारत की विष्णुवर्धन। कैसी भी सर्विस हो, बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जब वेलेंटिन का रिटर्न ना आया हो, और यहाँ तो उन्होंने ऐसा रिटर्न दिया कि पॉइंट भी मिली लव 15। सारी ताकत नेट पर झोंकती थी विष्णुवर्धन ने। ताकत है वेलेंटिन के पास लेकिन दिमाग भी है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल भी, शॉट्स पर गजब का नियंत्रण सर्विस करते हुए विष्णुवर्धन। इस बार बेहतरीन सर्विस थी विष्णुवर्धन की, 15-30 पर सर्विस करेंगे, अपनी सर्विस को उन्हें ब्रेक होने से बचाना पड़ेगा वरना फिर पहले सेट की ही तरह वो मुश्किलों में फंसते चले जाए। वॉल्ट की आवाज़ ही बन गया वेलेंटिन के लिए, विष्णुवर्धन देखते रह गए। अब काफी मुश्किल में इस गेम में विष्णुवर्धन, उनकी सर्विस को ब्रेक करने की सिचुएशन में आ गए हैं वेलेंटिन। विष्णुवर्धन को मिला 40-30 स्कोर। अभी भी विष्णुवर्धन को ये गेम जीतने के लिए काफी दम लगाना पड़ेगा। अपने पसीने पहुंचते हुए वेलेंटिन, लेकिन ये मेहनत का पसीना जो रंग लाएगा अगर वो फाइनल में पहुंच गए। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है सर्विस पर विष्णुवर्धन ने, जिसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है दिमागी रणनीति बनाते हुए। काफ़ी स्लो सर्विस, नेट के करीब से जाती हुई रैली,
और ये ड्यूस। की लीड सेकंड सेट में वैलेंटिन के पास सर्विस को रिसीव करते हुए बॉल सर्विस। तनाव शरीर वैलेंटिन का, अच्छी ऊंचाई लंबाई, लेफ्ट हैंड जॉब थी पहले लेकिन फिर उसे राइट हैंड जॉब बनाया अपने लिए विष्णुवर्धन ने और एडवांटेज की सिचुएशन में आ गए हैं। सर्विस करते हुए विष्णुवर्धन वैलेंटिन को थोड़ा परेशान किया है इसके लिए। सर्विस साइडलाइन से सर्विस स्लो थी, बेहतरीन रिटर्न आया वैलेंटिन का ड्यूस पर पहुंचते हुए और ये दो बार ड्यूस हो चुका है। सर्विस के लिए तैयार विष्णुवर्धन। काफी मुश्किल में क्योंकि काफी जान खर्च होती है सर्विस को। अच्छी रैली थी और एडवांटेज की सिचुएशन में वैलेंटिन विष्णुवर्धन को अपनी सर्विस को ब्रेक होने से बचाना होगा जिसके कगार पर वो पहुंच गए हैं। फिर ड्यू थोड़ा इंतजार करना होगा ऐसा लगता है कि इस सेट के परिणाम के लिए। काफी लंबा मैच खेल जाता है अगर ड्यूज ज्यादा है तो। सर्विस के साथ ही ज़्यादातर शुरुआत की विष्णुवर्धन ने, नतीजा स्लो सर्विस करनी पड़ती है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और ऐसा ही अभी देखने को मिला। अब वैलेंटिन के हाथों बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एडवांटेज है वैलेंटिन के पास। चौथी बार न्यूज में पहुंच चुका है ये गेम लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा मौका वैलेंटिन में देने वाली नहीं है। थोड़ा झंझलाए विष्णुवर्धन क्योंकि कॉल्ट के साथ सर्विस अच्छा रिटर्न। दोनों खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट फॉरहैंड से खेलते हुए बैकहैंड पर रिटर्न वैलेंटिन का, डबल हैंड सेकेंड रिटर्न पे शॉट आएगा
और इसी के साथ ये गेम वेलेंटिन रेस्टोट ने अपने नाम किया। 3-1 की झन्नाटेदार बढ़त उनके पास, जो उनके कदमों को फाइनल के काफ़ी करीब ले आई है। और कितना मुश्किल में है विष्णुवर्धन, और क्या इस टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों विदेशी खिलाड़ी होंगे, आपको बताएंगे हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। धन्यवाद आदेश। जिस तरीके से पहले सेट में कमाल का खेल का प्रदर्शन किया था वेलेंटिन वेशेरो ने, ठीक वही अंदाज उन्होंने दूसरे सेट में भी जारी रखा है। पिछला गेम जरूर थोड़ा लंबा खींचा, 3-4 ड्यूस देखने को मिले वहां पर। विष्णुवर्धन ने भी 1-2 अवसरों पर बहुत कमाल का रिटर्न किया, विनर्स लगाए, लेकिन टुकड़ों में ही उनका प्रदर्शन बढ़िया रहा है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। वापसी करनी होगी, नहीं तो वेलेंटिन वेशेरो इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लेंगे। आइडिया अच्छा था विष्णु का, नेट पर चले गए थे, इंटरसेप्ट करना चाहते थे, लेकिन लेफ्ट कोर्ट में जगह खाली दिखी थी वहां पर वेलेंटिन को, और वहीं प्लेस किया और अपने लिए अंक जुटाया। उम्र वेलेंटिन के पक्ष में है, अनुभव विष्णुवर्धन के पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर युवा जोश अनुभव पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बहुत ही करारा सर्विस थी यहाँ पर, बहुत तेज गति से की गई, पोजीशन में भी थे, बॉल की लाइन में भी थे, लेकिन रिटर्न नहीं कर सके विष्णु। और एक और शानदार एस देखते ही रह गए वहां पर विष्णुवर्धन, और इसी तेजी से गेम को समाप्त करते हैं वेलेंटिन। जब उनकी सर्विस होती है तो पता ही नहीं चलता कि गेम कितनी जल्दी समाप्त हो गया, और यही खासियत है। और बहुत सारी ऊर्जा बचा कर रखना चाहते हैं फाइनल के लिए, जहां अगर वो पहुंचते हैं तो उनका सामना होगा ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकुलिस्ट के साथ। एक और एस, और बिना समय गंवाए उन्होंने 4-1 की बढ़त ले ली है अब इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। कमाल का खेल अब तक देखने को मिला है इस फ्रांस के खिलाड़ी की तरफ से। एक चार से पिछड़ रहे हैं विष्णुवर्धन दूसरे सेट में, और बढ़िया सर्विस यहां पर रिटर्न के लिए पहुंच जरूर गए थे वहां पर वेलेंटिन, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए शॉट में। और इस तरह से ही अंक जुटाने की जरूरत है भारतीय खिलाड़ी को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। भारतीय टेनिस प्रेमियों के लिहाज से देखें तो पहले गेम में पहला जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ वहां भी भारतीय खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, और इस बार तेज रिटर्न वहां पर बहुत ही पावर जेनरेट की थी विष्णु ने, और प्लेइंग एरिया से बाहर बॉल। एक और अनफोर्स्ड एरर, इस पूरे मैच का यही कमोबेश हाल रहा है विष्णुवर्धन के खेल का, नियंत्रण बहुत कम देखने को मिला है, कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म और आउट ऑफ टच भी नजर आ रहे हैं। पिछले गेम के जो दो एस मिले वेलेंटिन को वहां तो अब प्रयास ही नहीं किया विष्णु ने रिटर्न करने का। और कमाल का फोरहैंड रिटर्न वहां पर, कोई मौका नहीं दिया विष्णुवर्धन को, पूरी लय में है, गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं वेलेंटिन वेशेरो। कम नजर आ रहा है, अगर गौर से देखें पिछली सर्विस पर तो एफर्टलेस सर्विस करने की कोशिश की थी वहां विष्णुवर्धन ने। बहुत लंबा अनुभव है
उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का, और यहाँ डबल फॉल्ट कर बैठे और ब्रेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं वैलेंटिन बेशिरोव। इस ब्रेक का मतलब ये है कि इस ब्रेक पॉइंट को भुनाने के बाद अगली सर्विस उनकी होगी और वो सर्विस करेंगे फाइनल में पहुंचने के लिए। बार फिर बहुत खराब रिटर्न, बहुत जल्दी शायद विष्णुवर्धन को भी इस मुकाबले को ख़त्म करने की, क्योंकि जो सर्विस उन्होंने की दो डबल फॉल्ट और उसके बाद एक बहुत ही ख़राब रिटर्न। लिएंडर पेस, महेश भूपति और उसके बाद सोमदेव देव वर्मन के बाद इन खिलाड़ियों पर ही भारतीय टेनिस को आगे ले जाने का दारोमदार है। साकेत माइनिनी हों, युकी भांबरी हों, विष्णुवर्धन हो, सुमित नागल, और एक बार फिर बाहर। तीन अंक दूर हैं इस समय फ्रांस के वैलेंटिन बेशिरोव इस दिल्ली आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बनाने से। बड़ी सर्विस, फॉल्ट, लगभग 1.5 मीटर के अंतराल से ये सर्विस उन्होंने मिस की। बहुत ही कमाल का फोरहैंड रिटर्न, दर्शनीय शॉट यहां पर खेला है वैलेंटिन ने। विष्णुवर्धन वहां पर मौजूद थे लेकिन गति इतनी ज्यादा थी और प्लेसमेंट इतना कमाल का कि वो बस देखते ही रह गए। फिर फॉल्ट सर्विस, पहली सर्विस में जूझना पड़ रहा है वैलेंटिन को भी, और खराब रिटर्न, और मैच पॉइंट पर पहुंच गए हैं वैलेंटिन बेशिरोव। जो पहले गेम का स्कोर था वही दूसरे गेम का भी, दूसरे सेट का भी स्कोर होने वाला है। 6-1 से पहला सेट जीता था फ्रांस के खिलाड़ी ने, 5-1 की बढ़त और उसके बाद 40-0। एक बार फिर लगातार तीसरी बार इस सेट में, इस गेम में देखने को मिला है कि सर्विस फॉल्ट कर रहे हैं पहली सर्विस। और बिल्कुल शानदार फोरहैंड शॉट के साथ इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीत लिया है फ्रांस के वैलेंटिन बेशिरोव ने। वैलेंटिन ने भारत के विष्णुवर्धन को 6-1-6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के फिलिप सेकुलिच के साथ होगा। सेकुलिच ने भारतीय खिलाड़ी सार्थक को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। कमाल का खेल देखने को मिला फ्रांस के वैलेंटिन बेशिरोव की तरफ से, उन्हें इस प्रतियोगिता में तीसरी वरीयता दी गई है और भारत के विष्णुवर्धन अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं।